नमस्कार, सुप्रभात। सुबह हुई है और आज हमने सोचा कि आज जरा जो हमारा टेरेस गार्डन है जिसमें सैकड़ों गमले हैं, तो जरा उन गमलों में खाद पानी डाला जाए। इसमें गुंजाइश ही नहीं है, इसमें इतना जड़ है कि इसमें गुंजाइश ही नहीं है इस पौधे के ग्रोथ का। तो इसलिए जरूरी यह है कि इसको हल्का करिए। ये देखिए, ये अभी भी भाई साहब इन्होंने कम हल्का किया, मैं ज्यादा हल्का। ये रात की रानी का ना थोड़ा सा, चूंकि बढ़ गया है बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा इसको कटिंग और कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गोल हो जाएगा थोड़ा। अप्रैल के बाद से बहुत शानदार फूल, पिंक कलर पूरा भर जाता है, पिंक फ्लावर बहुत ही शानदार लगता है। अभी जैसे सूखा जैसा लगता है, बहुत शानदार लगता है। यहाँ बेल था जो अभी सूख गया, तो अभी फिर नया लगा है। अभी तो मधुकामनी है, आप जानते हो। यह देखिए, हो गया हमारा तैयार। देखो 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 देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये इधर इधर लो, ये लो ये लो, गया गया ये गया, ओहो गया। छे इसके गुच्छे यहाँ बॉल जैसे थे जो अब फैल गए हवा में, यहाँ हवा तेज चलती है। और ये एक मेरा बुनजाई है, बहुत अच्छा, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, साफ सुथरा है, नया है। चलो बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या फूल है यार, फूल दिखाओ हमको, क्यों दिखा रहे इतना। हाँ अब कर दिया, एक गमला एक और बदल दो, उसको बदल दो, उसको वो वाला लाओ। हाँ ये गमला मेरा रेडी हो गया। इसको चाइना डॉल बोलते हैं शायद, बहुत अच्छा प्लांट होता है ये। अब ये रात की रानी का हाल था, एक गमला जितना बड़ा था पूरे में रात की रानी में भर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो वाला जो होता है पिल्लू केचुआ। खुरपी कहाँ है, खुरपी खुरपी लाओ या वो लाओ, हाथ में केचुआ पकड़ में आ रहा है। हाँ देखो जा, देखो देखो क्या हाल है, ये देखिए देखिए, यही मैंने कहा ना, ये माली महोदय का काम है, ये इनको ध्यान रखना है। अब ये पौधा कहाँ से जाएगा, ये देखो वो गमले में जो छोटा सा छेद है वो मिट्टी के गमले में पानी बाहर वहां तक से बाहर निकल गया, एकदम हल्का कर दिया मैंने। अब इसको, अब इसमें देखोगे तो मिट्टी से जड़ को फ्री कर दिया हमने, एकदम फ्री हो गया हो गया। अब ये जो है खाद वाला, जब इसमें मिट्टी पड़ेगा ना तो इसमें जान आ जाएगी। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह हुई है और आज हमने सोचा कि आज जरा जो हमारा टेरेस गार्डन है जिसमें सैकड़ों गमले हैं, तो जरा उन गमलों में खाद पानी डाला जाए, रिपोर्टिंग किया जाए। और चूंकि अब जाड़ा लगभग ख़त्म हो चुका है और गर्मी शुरू होने वाली है, इसलिए जो ऐसे पौधे होते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं, फूल देते हैं, फ्लावरिंग होती है, उन पौधों में कुछ खाद वाद डाल के और उसका रिपोर्टिंग की जाए। तो आज का वीडियो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, जिनको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है उनके लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आज जो मेरी हॉबी है उस हॉबी के साथ सुबह सुबह माली महोदय के साथ कुछ रिकॉर्ड किया जाए। तो बहुत सारे लोग जो मेरे दर्शक हैं वो कहीं मिलते हैं ट्रैवलिंग में, तो बोलते रहते हैं कि आपका टेरेस गार्डन बहुत अच्छा लगता है, कैसे करते हैं, क्या खाद डालते हैं, या कैसे आप उसको उसकी देखभाल करते हैं। दरअसल ये हॉबी है, तो इसका कोई मतलब इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन देखते 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 और एक दिलचस्पी हो गई पौधों में, पत्तों में और इस तरह के फूल पौधों में। तो उस दिलचस्पी का ही नतीजा है कि मैं कभी कभी जब समय निकालता हूँ या मतलब कोशिश करता हूँ कि महीने में एक दो बार, तो एक दो दिन वीडियो बाकी छोड़ के इसी में लग जाता हूँ। और चूंकि पौधे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए काम करना पड़ता है। जैसे अब कल भी शाम में हम लोग दो तीन घंटे यही करते रहे, चार घंटे, कल कोई वीडियो नहीं किया मैंने इस चक्कर में। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो कर रहे हैं मिट्टी हम लोग बना रहे हैं, खाद वाद इसमें डाल दिया गया है। अब ये जो है, हाँ सुनो पहले इसको ये करो, इसको निकाल लो, अब हो गया ये, इसको निकाल लो। अब क्या होता है कि ये सब हमने यूट्यूब में सीखा है भैया, हमें नहीं पता, कोई मेरी गार्डनिंग की और एग्रीकल्चर की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। हाँ तो अब ये जैसे इसमें तो जड़ कम होगा शायद, है काफ़ी है ना, जड़ है सर, है ना काफ़ी है। हाँ देखिए, छोड़ देता हूँ पहले। हाँ जड़ काफ़ी है। तो अब ये सब जो क्या होता है, ये इसलिए करते हैं
अब देखिए इसमें जड़, कल दो पौधे ये बदले थे तो ये तो गमले से नीचे तक जड़ चला गया था। फोड़ देता हूँ। हाँ फोड़ दो, थोड़ा फोड़ दो। हाँ इसमें चेड़ा लगा हुआ है, इसका मतलब सही है। ये देखो, तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गमला छोटा है, हाँ ये अच्छी बात है, इसका मतलब इसमें खाद है, गमला छोटा है और जड़ पूरा भर गया तो उससे क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और चंपा है, वैसे मैं पहले दिखाऊं तब तक उसको फोड़ेगा, क्यों फोड़ेगा बताएं, और इसको उसी गमले में फिर दोबारा डालेंगे थोड़ा जड़ को ढीला करके। एक जो हम लोग को पहले लगता था कि यार जड़ को छूना नहीं चाहिए, जड़ कट जाएगा तो पौधे सूख जाएंगे, दरअसल अब जैसे ये जो चंपा मैंने कल लगाया है ना, अब ये ठूंठ हो गया, जाड़े में ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका पूरा जड़ झाड़ दिया, एकदम झाड़ दिया तो मतलब इतना छोटा जड़ कर दिया जो गमले से बाहर निकल गया था जड़, और सेम गमले में झाड़ झूड़ के उसके बाद जड़ छोटा करके डाला है। वो वही उसको थोड़ा जड़ हल्का करेंगे और उसको गमले में ये मिट्टी हमने बनाया है, गोबर मिट्टी और बर्मी कंपोस्ट डाल के, और उसके बाद उसमें डालेंगे। अब दिखा दो एक बार ज़रा इधर का, वैसे कुछ फूलों के नाम मुझे नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ये हमारा डहलिया है अभी एकदम ज़बरदस्त खिल गया, हालांकि ये अब इसके जाने का टाइम है, मुश्किल से मार्च काट पाएगा, मार्च में ख़त्म हो जाएगा, और इसका भी अभी मार्च तक चलेगा। इसका नाम सडनली अभी भूल गया यार, नाम भूल गया। तो गेंदा पूरा ख़त्म हो रहा है मेरे टेरेस का, गेंदा का सीज़न अब ख़त्म हो गया, नवंबर के आखिर में दिसंबर में आता है अच्छा गेंदा, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। जाड़े का है दरअसल डहलिया, जाड़े का बहुत खूबसूरत है, पिटूनिया है और ये बड़े बॉल वाला पिटूनिया है, ये भी चलेगा, ये अप्रैल तक पिटूनिया चलेगा, पिटूनिया पीछे बेटा ये वाला। तो ये सब थोड़ा सा खाद पानी का ये है और देखभाल का है, मोहब्बत पौधों से भी मोहब्बत करनी पड़ती है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि अगर आप पेड़ पौधे और गार्डनिंग में दिलचस्पी है तो आपको हर समय लगे यार इसको थोड़ा पानी कम मिल रहा है, इसको थोड़ी मिट्टी इसमें डालें, थोड़ा इसमें खाद डालें, तो मैं कभी गुजरता हूँ और लगता है अरे यार सूख रहा है, तो जाने से पहले कहीं जा भी रहा हो तो सबसे पहले उसमें पानी डालता हूँ, यहाँ से जाते हुए हर पौधे पर नज़र डालता हुआ जाता हूँ कि कौन सा सूख रहा है, और थोड़ा भी मिट्टी लगेगा कि सूखा हुआ तो अब जैसे ये देखिए क्या है, ये गुलाब है मेरा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको मैं थोड़ा मैं भी गूगल सर्च करूंगा, और आप लोगों में से भी अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं भी सीखता ही हूँ, जैसा कि मैंने कहा कोई मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कुछ पढ़ाई नहीं की। अब ये गुलाब कटिंग तो कर दी थी हमने, और इसके बाद इसमें गुलाब बहुत है, अभी इस एक डंडी में देखें पाँच यहाँ है, तीन दो पाँच और चार उधर, पाँच उधर, दस, मतलब इसमें दस गुलाब हैं, वैसे ही देखेंगे इसमें नीचे। और दिक्कत क्या हो रही है, गुलाब ये खिलने से पहले बहुत हेल्दी गुलाब है, बहुत हेल्दी भरा हुआ, लेकिन खिल नहीं रहा है, एक दो खिल रहा है, बाकी सब खिलने से पहले सूख जा रहा है, जैसे नीचे सूख के गिरा है, ये भी लगता है ख़त्म हो गया। देखिए तो मैं ज़रा इसको देखूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक दो लोगों को कल फ़ोन किया, मेरी सिस्टर पटना में रहती है, उसको उससे बहुत कुछ गार्डनिंग का मैं सीखता रहता हूँ, क्या खाद डालते हो, खाद में क्या क्या मिलाते हो, तो अब इसमें ये दो बात कही गई कि या तो पानी ज़्यादा है और या थोड़ा इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, बाकी आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। नाम भूल जाता हूँ पौधों के, इसका भूल गया, गुड़हल है, कल ही का हमने कटिंग की है, ये अभी जब अप्रैल के बाद से बहुत शानदार फूल, पिंक कलर पूरा भर जाता है, पिंक फ्लावर बहुत ही शानदार लगता है, अभी जैसे सूखा जैसा लगता है तो बहुत शानदार लगता है। यहाँ बेल था जो अभी सूख गया तो अभी फिर नया लगा है, अभी तो मधुकामनी है, आप जानते हो, ये देखिए हो गया हमारा तैयार। अब ये जो है चंपा का जड़ जैसे छोटा कर लिया, अब इसको मिट्टी बदल दिया है, और इस मिट्टी में हमने बर्मी कंपोस्ट डाला है, गोबर डाला है, हाँ इसी में डालो, इसी में डालो, मुंह से बोल नहीं रहे, गुटका बहुत खा लियो क्या संतोष? गुटका नहीं है, गुटका नहीं है, गुटका ही खाया हो लगता है। अब इसमें नई मिट्टी डाल दी, इसकी मिट्टी झाड़ दी, नई मिट्टी बनाया हुआ है, तो नई मिट्टी जब डालेंगे खाद डाल के तो इस चंपा के जड़ को थोड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा और इसको भोजन मिलेगा मुकम्मल, क्योंकि ये मिट्टी अब ख़त्म हो चुकी थी, तो इसमें भी हालांकि खाद डाल के इसको हम रीयूज करेंगे अभी, तो ये चंपा इसमें ये करेगा। और एक चीज़ और किया है, देखिए फ्लावर तो बहुत दिख रहा है, सबकी कटिंग की है, ये माली महोदय कल गच्चा दे गए थे दो, मतलब थोड़ा जल्दी चले गए थे तो गच्चा दे गए थे, तो ये सारे ये जैसे नाग चंपा है, ये सब कल कटिंग मैंने खुद की है, ये नाग चंपा है, ये चंपा है, ये गुड़हल, बल्कि इसकी भी कटिंग करनी थी, इसको क्यों नहीं किया यार?
अरे यार वो थोड़ा उधर है, उसको इसको कटिंग कर देना है, बड़ी डंडी है, इसको देख के कटिंग कर देना। एक मिनट सर, कटर से इसको देख, कटर से काट दो तो ये थोड़ी कटिंग नहीं, पहले ये कर लो बाबू, तू यही कर लो पहले, इसको कर लो फिर करना उसको, मतलब याद रखना कटिंग करनी है। ये जैसे कटिंग किया था हमने 4 महीने पहले कर दिया था विंटर के समय ही, अब ये बोगनवेलिया है, अब उसके बाद देखो क्या फूल आया इसमें, एकदम घना। अब इसका भी थोड़ा सा खाद वाद अभी डालेंगे इसमें, और बोगनवेलिया में क्या है, बहुत सारे मतलब मेरे बोगनवेलिया जैसे 5-6 बहुत ज़बरदस्त मेरी छत पर बोगनवेलिया बहुत अच्छा होता है, बट पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये सब भी सीखा मैंने कि कुछ में फूल नहीं आ रहे थे, फिर मैं 2-3 नर्सरी कुछ वालों से बात की, फिर YouTube देखा तो पता चला थोड़ा पानी कम डालिए, जब एकदम सूख जाए तब पानी डालिए, और फ्लावर हो जाए तब थोड़ा पानी डालें, बट उसके पहले थोड़ा एकदम लगे कि पौधा अब मुरझा रहा है तब पानी डालिए। बोगनवेलिया का दुश्मन पानी ही है, पानी कम, इसलिए आप देखेंगे जितने हाईवेज हैं ना सड़क के किनारे, आपको किसी भी तरफ जयपुर की तरफ चले जाएं, अजमेर की तरफ चले जाएं, खास तौर से राजस्थान में तो बोगनवेलिया गजब है, गजब तो गजब, तो आपको दिखेगा कई किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर जो नया एक्सप्रेस बना है उस पर भी बोगनवेलिया, बहुत सारे लोग जो जयपुर हाईवे जा रहे होंगे जयपुर ने, तो पानी कम पड़ता है, मिट्टी से पानी लेता है ज़मीन पर, यहाँ तो गमला है तो, लेकिन कम पानी पड़ता है। हाँ देखिए कर दिया भाई साहब ने, अब ये नई मिट्टी पड़ गई, खाद पड़ गया, अब ये मेरा चंपा, मेरे चंपे में इसमें जान आ जाएगा, ये मधुकामनी है, अब ये इसका समर में खिलने का टाइम हो रहा है और ये खिलने लगा, ऐसे 5-6 मधुकामनी, इसका भी हम अभी थोड़ी रिपोर्टिंग कराएंगे देख के, 6-5 मधुकामनी छोटा है, ये बड़ा गमला हमने पिछले 2 साल पहले लगाया था, तो इसकी अभी रिपोर्टिंग करेंगे। गुलाब हमारे पास बहुत है लेकिन अब गुलाब का समय तो अभी ख़त्म हो रहा है, कुछ सीजनल चले गए। गंधराज है, इसकी भी कल कटिंग की है, इसका फूल बहुत अच्छा आता है, बहुत सुगंधित, बहुत ही ज़बरदस्त। एडेनियम की कटिंग कर दी है शायद उसने, हाँ। ये सब यहाँ गुलाब की कटिंग की है, देखिए ये तो गुलाब हमारा इसमें ज़्यादातर खिला है, एक राउंड अभी फिर आएगा उसके। ये सब चंपा देखिए कल हमने कटिंग की है, और ये चंपा 2 पेड़ मेरे बहुत बड़े हैं, अभी ये ठूंठ हो गया है, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड होता है जाड़े में, ऐसे ही चंपा पत्ते छोड़ देता है और एकदम पतझर हो जाता है, लेकिन ये अभी जब ये सब थोड़ा काटूंगा इसको भी, लेकिन अब ये 1 महीने बाद, मतलब इसमें अगर देखेंगे तो ये पत्ते यहाँ आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए पत्ते आने शुरू हो गए सब जगह, ये पत्ते दिख रहे होंगे, ये थोड़े थोड़े ये सब पत्ते भर जाएंगे और एकदम नए पत्ते आ जाएंगे चंपा में, और ये दोनों चंपा रेड चंपा है ये दोनों, और बहुत ही अच्छा इसमें पिछली बार कटिंग की थी, इस बार भाई साहब ने कटिंग नहीं की, मैं थोड़ा सा 2 महीने क्या हुआ, 2.5 महीने चुनाव उनाव के चक्कर में मैं भी घूमता रह गया, तो मेरी नज़र इधर कम पड़ी। अब जगह यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है इसमें, अब ये देखो गया जड़ भर के यहाँ तक आ गया, हालांकि गमला बहुत बड़ा है लेकिन जड़ यहाँ तक भर गया है, मतलब क्या होगा जड़ बाउंस करके ऊपर तक आ गया होगा, नीचे जगह नहीं मिलेगी, मिली होगी इसको, यहाँ भी ऐसे ही जड़ आ गया हो, पूरा भर गया है। गमला लाया था मैं 4 साल पहले, गमला ने मतलब चंपा, तो हालांकि एक बार गमला मैंने 2 साल पहले बदला है, लेकिन तब गलती की हुई थी, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था 2.5 साल पहले, तो मिट्टी थोड़ी कम थी, मतलब उसकी जड़ हल्का कम किया था, ना के बराबर किया था, गमला सिर्फ बदल दिया था, लेकिन अब जड़ हल्का करूँगा इसको, अभी 10-15 दिन में इसके लिए 2 आदमी चाहिए, माली एक और कोई सहयोगी लेके आएगा, और एक ड्राइवर मेरा अभी आया नहीं है, तो उसको लगा के उसको जड़ झाड़ेंगे, हल्का करेंगे मिट्टी को, और उसके बाद थोड़ा खाद डालेंगे, और चंपा बहुत ज़बरदस्त फ्लरिश करेगा वो। ये मेरा छोटा स्टेरिस है, और ये मेरी लैला जी हैं, क्या कर ली, क्या कर ली, क्या कर ली है, 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 देखो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो क्या फूल है यार, फूल दिखाओ हमको, क्यों दिखा रहे इतना, हाँ अब कर दिया जी सर, एक गमला एक और बदल दो, उसको बदल दो, उसको वो वाला लाओ, ठीक, हाँ ये गमला मेरा रेडी हो गया, हाँ वो वाला लाओ, ये मिट्टी नहीं है, ये इस गमले से निकाला है। तो क्या होता है, हम लोग तो ये बर्मी लाते हैं, ये बर्मी कंपोस्ट पैकेट लाते हैं एक गमले में,
तीन चार किलो ये डाल दिया, थोड़ा गोबर डाल दिया गमले के साइज के अकॉर्डिंगली, और मिट्टी फ्रेश बना दी। ये गमला अभी फिर बदला जाएगा, इसमें भी जड़ होगा नीचे तक, काफी ऊपर तक दिख रहा है, खींचो कम होगा, इसमें कम होगा, ये पिछले साल शायद बदला था क्या? अगर पिछले साल बदला था ना तो इसको फिर उसी गमले में डाल देना, दोबारा डाल देना इसको, तो इसको भी मैंने लगता है पिछले साल बदला है, तो इसमें जरूरत नहीं है, इसमें जड़ आया है, इसको देखना पड़ेगा। देखो जी, इसका जड़ पूरा भर के ऊपर तक आया है, इसमें जड़ भर गया, समझे? इसको हम इसी तरह के बड़े गमले में लगा देंगे। ये एडेनियम है हमारा, इसमें एक गलती क्या हुई, इसमें भी ये हम आमतौर पर दिसंबर में इसकी कटिंग कर देते हैं, तो इस बार भूल गए, माली महोदय ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो भूल क्या गए, बाहर था लगातार, तो इसको अभी कटिंग की है 8-10 दिन पहले हमने, पूरा यहाँ से कटिंग कर दिया, इसके ऊपर थोड़ा फेविकॉल टाइप का कोई चीज़ लगा देते हैं जिससे पानी इसके अंदर ना जाए, तो सूखता नहीं है, हालाँकि एक थोड़ा मेरा सूखा है, इसको भी यहाँ से फिर काट दूंगा इसको। और ये इसको डेजर्ट रोज़ बोलते हैं, बहुत शानदार फूल आता है, मेरा एडेनियम तो कमाल का है, खैर 2 साल पहले मैंने डाला था यूट्यूब पे, और वो उसमें हुआ ये भी कि 7-8 एडेनियम मेरे पिछले साल जाड़े के मौसम में भाई साहब ने ध्यान नहीं दिया, और माली महोदय ने, और सब में जैसा पानी डालते रहे, एडेनियम में भी डालते रहे, 7-8 बड़े बड़े एडेनियम, इतने बड़े बड़े बॉल वाले एडेनियम सारे हमारे ख़राब हो गए। तो इस साल फिर देखेंगे, कुछ नए पौधे लाएंगे, उस सब एडेनियम की उधर कटिंग हुई है। अब ये निकला गमला, अब ये है वही जो नहीं पता रहता है ना, तो लगता है अरे यार जड़ से कैसे निकालेंगे, हिलाए, ये ज़रूर करिए हर साल। अगर आप पौधे रखते हैं और शौकीन हैं तो आप हल्का कीजिए जड़ को, सेम प्लांट सेम गमले में भी आप रख सकते हैं, थोड़ा उसको बढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी, मिट्टी और ये सब मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ये सब नीचे से जड़ भर गया है यार, भरा हुआ तो है, भरा हुआ है ना, अब इसको कहाँ फैलेगा, ये गमले में जगह ही नहीं है इसके लिए, जड़ पूरा भर गया इसका, तो गमला थोड़ा सा इसको जगह मिल गई, मिल जाएगी, अभी हल्का हो जाएगा थोड़ा, वो मिट्टी से जड़ थोड़ी खोल भी दीजिए। तो ये सब है, ये सब हमारा मधुकामनी है, इसका काम चलेगा, ये बोगनवेलिया है। अब उधर देखो एक खाद बनाया है मैंने, हाँ ये अब बेला का मौसम आ रहा है जैसे, अब ये अभी गर्मी में ये ज़बरदस्त ये सब निकाला, कहीं डंप में पड़ा हुआ था जाड़े में, तो अब ये निकाला, ये सब की कटिंग थोड़ी हुई है, थोड़ी और होगी, पीछे जाइए पीछे जाइए, थोड़ी और कटिंग होगी, थोड़ा और ढीला करो उसको, थोड़ा और ढीला, उसी गमले में आएगा कि बदल दें गमला, चेंज कर देते हैं सर अब, हाँ थोड़ा चेंज कर दो इसको, भरने का मौका मिल जाए, थोड़ा चेंज कर दो। दीपक को आना था या नहीं, दीपक को आना था, एक खाद बनाया मैंने कल, वो मेरी सिस्टर पटना में रहती है विनीता, उसको ये सब का बहुत शौक है, उसी से शौक मेरे पे ट्रांसफ़र हुआ। ये हर सिंगार है मेरा, अब खिल के ख़त्म हो गया, अक्टूबर में इसमें फूल आता है, तो इसकी हमने 4-5 दिन पहले कटिंग कर दी है, कटिंग करके थोड़ा साइड कर दिया इसको, तो एक खाद बनाया इसमें अभी अपनी सिस्टर से पूछ के, ये खाद जो है 7-8 दिन में पूरा होगा। आ हा हा, हटो हटो बहुत गंदा है, इस महकने लगा, हाँ स्मेल आने लगा, स्मेल चाहिए इसमें। ये खाद में क्या है, इस खाद में है सरसों की खली, जैसे एक बाल्टी में बना रहा हूँ अभी, एक बाल्टी मैंने सरसों की खली डाल, सॉरी 2 किलो सरसों की खली डाला, 1 किलो लगभग नीम केक डाला ऐसा, ये नीम केक, हालांकि ये छोटा डब्बा बड़ा डब्बा, 1 किलो नीम केक डाल दिया, 0.5 किलो के आसपास बोन मील डाला, बोन मील अच्छा खाद होता है जो फ्लावर्स के लिए, बोन मील आप 1-1 चम्मच ऐसे भी साइड में डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी उसमें 1.5 मुट्ठी DAP डाला है, और 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी शायद NKP20 डाला, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो उसका होता है NKP20, तो वो हमने 2 मुट्ठी डाला, और उसका पूरा थोड़ा बर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया 2 किलो, और उसको पूरा मिला दिया है। अब उसमें 7-8 दिन 10 दिन में, 10 दिन 12 दिन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है, 12 दिन में एकदम सड़ के दुर्गंध आ जाएगा, मतलब दुर्गंध इतना कि बहुत बुरी तरह से, 12-15 दिन अगर हो गया तो। हालांकि कायदे से वो थोड़ा पहले पड़ना चाहिए था मेरे ख्याल से, विंटर में जनवरी फरवरी समय सही है, फरवरी के शुरू के लिए अच्छा था, थोड़ी देर कर दी हमने 15-20 दिन, क्योंकि गर्मी आ रही है, वो खाद गर्म होता है, तो गर्मी में थोड़ी देर हो गई है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अभी कोई ज़्यादा नहीं है, अभी तो चलो मार्च ही शुरू हुआ है, आज पहला ही दिन है, तो उसको 5 दिन में जब सड़ जाएगा तो मेरे ख्याल से 10 लीटर होगा, तो 1 मग लिया, और 1 मग में
मैंने 2 मग 2.5 मग पानी डाल दिया, थोड़ा उसको डायल्यूट कर दिया, और उसके बाद आधा आधा मग ऐसे करके जैसा गाढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली। ये भी हो सकता है कि 1 मग में 4 मग पानी डाल दें, 5 मग, देखेंगे क्या है इसकी मिलावट। और जैसा गमला है, जैसा फूल वाला पौधा है, उसको हमने ऊपर लिक्विड डाल दिया, आधा आधा मग, आधा आधा मग, तो उससे उसको हर तरह की चीज़ एक साथ मिल गई। मतलब उसको NKP भी मिल गया, थोड़ा DAP भी मिल गया, जो ऑर्गेनिक खाद है वो भी मिल गया। तो वो है बहुत फूल वाले पौधों। अब देखो कटिंग हो गया, कितना छोटा हो गया, अब इस जड़ को फैलने के लिए बहुत जगह मिल गई, जो एकदम जाम हो गया था वो जगह मिल गई। हालांकि ये पौधा मेरा बहुत बढ़िया, गुड़गांव से मैं लेके आया था इसको, बहुत ही फूल के, ये भी बहुत अच्छा, ये कोई थाईलैंड का चंपा बोल के मुझे दिया था, गुड़गांव से ही लाया था, छोटे गमले में था, इसको कल ही हमने बदला है, और इसमें ज़बरदस्त फूल होता है, एकदम सुगंधित, नीचे से ही इसकी टहनियाँ कई है। तो अब इसमें भाई साहब लगा देंगे हम गमला में, थोड़ा बड़े गमले में चंपा। वो ये वाला मिट्टी मत डालना संतोष, वो नहीं डालना, ये जो बनाया था। हाँ तो ये संतोष जी थोड़ा बात कम करते हैं, हैं क्या? तो ये सब तो थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था ना, खाद वाद संतोष बाबू। ये हमारा क्या है पौधे, रात किरानी, रात किरानी, ये रात किरानी है, इसकी भी कटिंग कर दी है 5-6। ये सब अब ये समय शुरू हो रहा है समर का। देखिए जाड़े में क्या है, गेंदा है, वो पिटूनिया है बहुत शानदार, डहलिया है, डहलिया, गेंदा, पिटूनिया, हाँ वो है क्या बोलते, गुलदाउदी, वो तो अर्ली चला जाता है गुलदाउदी, दिसंबर जनवरी उसके लिए बहुत अच्छा समय है, फरवरी खींच पाता है लेकिन दिसंबर जनवरी बहुत अच्छा, नवंबर में आना शुरू हो जाता है। तो गुलदाउदी एक रेंज पूरी थी, तो क्या है 1-1.5 महीने में बदलता हूँ। जैसे मेरे पास ये बहुत था गेंदा, वो गेंदा अब कम हुआ, चूँकि अब कम हो रहा है। नीचे का जो वो है क्या नाम है, चंपा, वो भी लाएंगे। तो ये सब है, तो सोचे कि आज ये कर रहे हैं तो यही दिखाया जाए कि भाई हम इसके अलावा भी तो जीवन है, ऐसे थोड़ी है कि दिन भर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। कुछ लोगों को लगे है बताइए आप ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हॉबी है यार, अच्छा लगता है। थोड़ा नीचे गया क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है, खाद के लिए उतनी जगह बचनी भी चाहिए। अब तुम भर दो, वही वाला भरो, मिट्टी जो बनाए वो भरो, नहीं तो एक आध मुट्ठी और बर्मी डाल दो उसमें। नहीं बहुत है, हैं बहुत है, बर्मी डाल दो एक आध मुट्ठी और, डालना है? अरे सर काम में दोनों मिला लिए, मिक्स बराबर कर, बर्मी और गोबर दोनों मिला दिया जी। ठीक है, बाद में मिट्टी वाला खाद डालेंगे। हाँ एक और दिक्कत होती है कि कई बार ज़्यादा पानी से भी बहुत पौधे खराब हो जाते हैं। वो क्या होता है, ऊपर आप डाल देते हैं, सूख, आपको लगता है सूख गया, और दरअसल ऊपर थोड़ा सूख जाता है और नीचे जो है 4 इंच नीचे 5 इंच गीलापन बचा रहता है, और उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। मतलब वो नीचे जड़ गीला कर देता है उसको, तो वो सब देखना पड़ता है। हमारे बहुत पौधे ख़राब होते हैं। ये सब गमले मैंने बदले हैं, ये तो खैर शो के लिए है। ये अच्छे इसके गुच्छे या बॉल जैसे थे जो अब फैल गए हवा में, यहाँ हवा तेज़ चलती है। और ये एक मेरा बुनजाई है बहुत अच्छा, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, साफ सुथरा है, नया है ये भी। तो ये है, इसकी भी कटिंग करेंगे थोड़ा, इसमें गेंदा का कुछ आ गया है लगता है। ये है तो बोगन, वो क्या नाम है, गुड़हल। हाँ गुड़हल मेरे पास बहुत है, नीचे के टेरेस में भी बहुत गुड़हल है। चलो जी बाय।